सबसे पहले हम किसी भी रिमोट कंट्रोल कार से उसका रिसीवर यानी जो किट होता है कार के अंदर उसे हम निकाल लेंगे। और निकालते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कौन से वायर बैटरी से जुड़े थे और कौन से मोटर से। अगर ध्यान नहीं रखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है, उसे भी आप देख के बाद में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के एक छोटे डब्बे लेंगे और उस किट को उस डब्बे के अंदर सेट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दो होल करने पड़ेंगे इस साइड में, ताकि जिस जो वायर मोटर से करंट थे उसे हम बाहर निकाल सकें। और एंटीना को भी हम इस तरह यहाँ पर होल करके स्क्रू से टाइट कर देंगे और यहाँ पर होल करके एंटीना को निकाल लेंगे। तो चलिए हम जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने इसमें से जो वायर मोटर में कनेक्ट होते हैं वो दो बाहर निकाल दिए हैं, दो बैटरी में कनेक्ट होने वाले वायर अंदर है। मैंने एंटीना को भी यहाँ पर सेट कर दिया है और उसे होल करके बाहर निकाल लिया है। अब मैं 3.5 वोल्ट की दो बैटरी मतलब टोटल 7 वोल्ट की बैटरी इसमें जोड़ दूँगा। बैटरी को कनेक्ट करते वक्त हमेशा माइनस और प्लस का ध्यान जरूर रखें, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। चलिए अब इसमें सेफ्टी के लिए थोड़ा सा टेप लगा देते हैं। ये हो गया रेडी, अब इसे अंदर में यहाँ डाल देते हैं। अब इसे कर देते हैं हम बंद। अब हमें ज़रूरत होगी नाइक्रोम वायर की। अगर आपके पास नाइक्रोम वायर ना हो तो घर में इस्तेमाल होने वाले स्क्रबर जिससे बर्तन धोते हैं उस तार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बस छोटा सा पीस हमें यहाँ पर लगाना है। मैं इसे इतना लंबा काट लेता हूँ। ये चीज़ हो गई हमारी रेडी। अब चलिए इसके रिमोट को लाते हैं। ये रहा हमारा रिमोट, इसे मैं डायरेक्ट फ़ोन से कनेक्ट करने वाला हूँ। अब चलिए इसका ट्रायल कर लेते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरह से काम कर रही है। अब ये दोनों को हम रखते हैं साइड में। अब सुतली बम लेंगे और सुतली बम इस तरह के माचिस के तिल्ली को चिपका देंगे। सूखने में टाइम लगता है इसीलिए मैं पहले ही इस तरह से चिपका के रखा हूँ।